देखिए मैं कहता हूँ अग्निवीर योजना एक अच्छी योजना है। आप फौज को तो छोड़िए, इसको IAS और IPS में भी लागू किया जाए, ताकि पूजा शर्मा जैसी लेडीज जो फर्जी सर्टिफिकेट के ऊपर बनती है समझ में आ जाए, बाहर निकाल दिया जाए। तो अग्निवीर योजना अच्छी है। मैं तीन विषय पे, पहले देश के लिए, फिर फौज के लिए और फिर अग्निवीर के लिए। आज तक आपने किसी पूर्व सैनिक को बस चलाते हुए या रेल रोकते हुए देखा है? अब तो हम कल्पना कीजिए कि जब ये संख्या चार गुना बढ़ जाएगी तो राष्ट्रीय निर्माण और चरित्र निर्माण में कितनी वृद्धि होगी, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। यदि कि अगर हम पहले देश की सोचते हैं तो उसके लिए ये एक अच्छा फोर्स है। अब हम आते हैं फौज के लिए। फौज को आवश्यकता केवल तलवार की नहीं है, केवल मुठ की नहीं है, फौज को आवश्यकता उस तलवार की धार की भी है। जब आपके पास अनुभव ज्यादा हो जाता है, जब आपके पास योग्यता ज्यादा हो जाती है, तो आप में जोखिम उठाने की चाहत कम हो जाती है। एक 18 या 20 साल का लड़का जो जोखिम उठा सकता है, वो 35 साल का व्यक्ति नहीं उठा सकता। फौज को क्या चाहिए? फौज को चाहिए कि मैं जवान रहूं। और ऐसा खाली हमारे यहाँ नहीं है, क्या अमेरिका में नहीं हो रहा, क्या UK में नहीं हो रहा, क्या चाइना में नहीं हो रहा? यानी कि हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे, और ये अचानक योजना नहीं आई है, तो ये फौज के लिए अच्छी है। पेंशन तो एक बात है कि चलिए पेंशन बच जाएगी और उससे हथियार खरीद लिए जाएंगे, फौज के लिए अच्छा है। अब अग्निवीर के लिए लीजिए, आपको मालूम होगा 1962 के युद्ध के बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन शुरू किया गया था। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर आए, 10 साल के बाद जब उन्हें निकाला गया तो उन्हें बहुत दुख हुआ, रोने लगे, बाहर निकले। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, IAS और IPS के एग्जाम में जहाँ 5 पेपर देने होते थे, उन्होंने कहा कि 3 पेपर दीजिए। वो IAS बन गए, बड़े हो गए, आज वो जनरलों से भी बड़े हो गए। यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर आज आपको कहीं सड़क पे घूमता हुआ दिखाई नहीं देगा, रिटायरमेंट के बाद भी। अब यही स्थिति इनकी भी है, क्योंकि अग्निवीर एक 4 साल की ट्रेनिंग लेके आया है। मैम, कॉरपोरेट घरानों में लोग आस लगाए बैठे हैं, लोग हाथ फैलाते हैं, उनका स्वागत करने को तैयार है, उनको ऐसा फोर्स मिलता कहाँ है? और उसके पास स्वतंत्रता भी है, अगर वो फौज में काम करना चाहे तो पैरामिलिट्री फोर्स दे, और अगर वो कॉर्पोरेट घराने में करना चाहे तो करे, वरना उसको 20-22 लाख रुपए मिल भी रहे हैं, वो अपना काम भी कर सकता है। अब अगर हम एक चश्मे से ये देखें कि हमें हर चीज़ में कमी निकालनी है, मैं खड़े खड़े आदमी में 50 कमी निकाल सकता हूँ। फौज में जब आप परेड कर रहे होते हैं और उस परेड में आप खड़े हैं सावधान में, अगर आपने आपकी पुतली बगैर हिले हुए पुतली भी हिलाई तो इट इज़ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 63, तो ये तो हो गया कमी निकालने का। लेकिन मैं समझता हूँ सकारात्मक तौर पर देख रहे हैं, एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। आपकी बात अधूरी रह गई थी सर, आती हूँ आपके पास दोबारा। सरकार के इस फैसले को सर आप कैसे देख रहे हैं? राजीव,